अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइज, आज मैं हिजाब में बना रही हूँ वीडियो, इसलिए बना रही हूँ कि अभी मैं जा रही हूँ वोट देने। वोट मेरा हक है और वोट बहुत सोच समझ के देना है, जिसको भी देना है। तो खैर, अभी मैं निकलती हूँ वोट डालने के लिए। बड़ी जल्दी जल्दी मैंने पूरे घर को समेटा, नाश्ता बनाया और हुरम सो रही थी, हुरम को उठाया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, वोट डालने तो जाना है। तो अभी मैं लेट ना हो जाऊँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ वोट देने के बाद, ताकि मैं हम दिखाऊँ आपको। ठीक है, इंशाअल्लाह जो भी जीतेगा, जो भी हुक्मरान आएगा, अल्लाह उसको नेक हिदायत दे, वो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो, मुखलिस हो, ईमानदार हो, दयानतदार हो। अल्लाह से यही दुआ है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। ओके, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने अपना वोट कास्ट कर लिया और काफ़ी शोर शराबा भी हो रहा है हमारे इलाके में। अभी हुरम को लेकर फंस गई थी मैं, क्योंकि जो है ना, फर्स्ट टाइम मेरी हुरम ने ऐसा कोई मंजर देखा था, तो मेरी हुरम ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। उसने बच्ची थी ना, घबरा गई थी और मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत थी, मगर मैं फिर भी मजबूती से खड़ी रही। मैंने कहा जब रश कम होगा तो, और काफ़ी मतलब इस तरह का माहौल था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई किस बात पर चल रही है। यहाँ पे गाइस, यहाँ माहौल बहुत ख़राब हो गया है ना, बहुत लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को डंडे से मार रहे हैं, उससे मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई खराब हो गई, खून खराबा होने वाला। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे। खैरियत से हम अपने यहाँ से, मैं हुरम को लेकर आई हूँ, मुझे रोना आ रहा है और ना गन निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। वो देखें कितनी ज़बरदस्ती हो, मेरा तो दिल कांप रहा है। अरे चलो ना, ना लगता नहीं है ना, अभी इससे ऐसा बात कर रही चलो उधर, अच्छा मिल जाए। जी गाइस, तो हम जो है ना वोट डालकर आ गए हैं अभी, हम और हुरम, और अपनी सिस्टर के घर में आई हूँ मैं। ये देखे, मेरा इतनी खुशी हो रही है मुझे वोट डालने की, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। और इतनी लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई वहाँ पे, हुरम इतनी परेशान रोने लगी हुरम, और मेरा भी दिल ऐसा धक धक करने लगा। इतनी फर्स्ट टाइम मैंने इतनी गंदी जेंट्स की लड़ाई देखी है ना, तो मैंने कहा बस जल्दी से रक्षा पकड़ो और चलो खाला के ही घर चलते हैं। तो अभी मैं अपने बहन के घर आ गई, यहाँ से चाय वाय पी के फिर मैं अपने घर जाऊँगी, तो फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइज, आज सारा दिन का माजरा आपने देखा, और मैंने अपने आप से अहद किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए वोट मैंने कास्ट करना है भाई, वोट मैंने ज़रूर डालना है। तो मैं जल्दी जल्दी घर के काम वगैरह निपटा के और मैं वोट डालने चली गई। वोट तो मेरा बिल्कुल सही, बिल्कुल रश नहीं था, आराम से ताहा मुझे उतार के आ गया, तो मैंने वोट डाल दिया। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो ओह मेरे खुदाया, बाहर का तो मंजर ही चेंज था। इतनी मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना यार, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे साथ छोटी बच्ची भी थी, तो मैं बहुत डर गई थी ना। जिस तरह से मतलब फसाद होते हैं ना, होते होंगे और होते हैं, तो मैंने रियल में फर्स्ट टाइम देखा था कि इतने हजूम में मैं फंस गई थी। मेरे साथ एक आंटी और भी थी, और एक नर्सरी से अंकल आए हुए थे वोट डालने के लिए। वो कहते कैसे वोट डाले बताओ, तो मैंने कहा अंकल ये शोर शराबा, ये हंगामा बाहर है, आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएं, आराम से वोट डल रहा है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अमला स्टाफ जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत ताउन कर रहा है,
तो बाहर अंकल आप जिस मकसद के लिए आए ना उसे ज़रूर पूरा करें। तो खैर मैं तो जीत गई भाई, मैं तो अपना मकसद पूरा करके आ गई। बहुत फड्डे हुए, बहुत फसाद, लड़ाइयाँ, डंडे चले, मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने बोला नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो वोट डाल के ही जाऊँगी। और जितना हो सका छोटी मोटी सी वीडियो मैंने बनाया वो सब आप वॉच करना। और अभी आया अफ़ान, तो फिर ना मैं आपसे मिलती हूँ। और बस थोड़े से शेयर किया है यार मैंने अपनी वीडियो को, थोड़े से आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर सुमेरा आप की वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं हम अपने नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।